हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मुझसे सीखेंगे एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मात्र कुछ ही स्टेप में। चलिए स्टार्ट करता है। पहला स्टेप, ये क्वेश्चन तो रखा है इसको कि हमें डिवाइड LHS एंड RHS में डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दे रखे उसके वैल्यू बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। सिल्वर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 2, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन की वैल्यू देखेंगे 3 दे रखिए। अब यही काम आपको सर्वे करना, सिल्वर इज 2, देन कार्बन इज 1, ऑक्सीजन देखिए 1 प्लस का 2, टोटल इज 3। इतना काम आपको करना होता है पहले स्टेप पे। अब आते हैं सेकंड स्टेप आते हैं, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस सीखने में सही चेक करते हैं और पता लगाते हैं। सिल्वर 2 एंड 2 एक यहाँ पे इक्वल है, कार्बन 1 इक्वल है, ऑक्सीजन 3 है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो आप देख सकते हैं सारे नंबर क्या कर मैच कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे पता चलता है कि ये केमिकल इक्वेशन स्टेप नंबर 2 में ही बैलेंस है। तो ये पहले से बैलेंस थी, यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की कोई भी नीड नहीं होगी। जैसे आपने मेरी कई वीडियो में देखा होगा, अगर आपके चैनल पहली बार आए तो आप भी जाकर अच्छी खासी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आप हाउ टू बैलेंस के नाम से प्ले लिस्ट में आप देखेंगे, मिलेगा आपको और अच्छा खासा वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि स्टेप नंबर 2 में भी कभी कभी बैलेंस होते हैं और स्टेप नंबर 3 में भी बैलेंस होती है। अगर आपने चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जरूर प्रेस कीजिए एंड कोई कमेंट हो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।